बहुत बहुत शुक्रिया सहर मैडम, आप जैसे भले लोगों की वजह से ही हमारा ये वृद्धा आश्रम चल रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे ठीक लगता है। धन्यवाद। चलिए नमस्ते। अरे सुनीता मौसी, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? बस बेटा, भगवान की कृपा है। तू इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही है? मौसी वो दरअसल पापा के घर पे जा रही हूँ, और रात होने से पहले पहुँचना बेहतर होगा ना? भाई साहब की तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊँ मौसी, आप तो घर की हैं। वो दरअसल पापा ने हमें बिना बताए दूसरी शादी कर ली है। क्या शादी इस उम्र में, किससे? इनसे। इनका नाम माया है, एक हफ्ते पहले ही शादी हुई है इन लोगों की। क्या हुआ मौसी? ये नहीं हो सकता। मौसी अच्छी खासी तो है, आखिर 6 साल हो गए माँ की मौत को, क्या हुआ? तू समझ नहीं रही है, तू नहीं जानती ये कौन है। ये माया नहीं, मीना है। नहीं नहीं मौसी, ये मीना नहीं, ये माया है। कुछ दिन पहले हरिद्वार पापा गए थे ना, वहां पे उनकी मुलाकात इनसे हुई और एक दूसरे को पसंद कर शादी कर ली। ये नहीं हो सकता, तू समझ नहीं रही है। क्या नहीं समझ रही हूँ मौसी? ये मीना है, मीना। कुछ साल पहले मेरे घर की बहू बनकर आई थी, और एक हफ्ते के अंदर मेरे बेटे को खा गई। मौसी आप, मेरे बेटे को खा गई। मौसी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी, तीसरी, चौथी शादियां करती रही। मौसी, मौसी आप मेरी बात सुनिए, आप आराम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। यक्षिणी है ये। यक्षिणी? डायन, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? क्या क्या समझूं मैं? माना की चेहरा सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये चुड़ैल है, कि माया है माया। और अगर ये चुड़ैल होती तो ये आपको भी तो मारती ना। ये औरतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती सिवाय अपने मंदिर के। मौसी माना कि आपके बेटे का गम मैं समझ सकती हूँ मौसी, पर ये चुड़ैल नहीं है। आप तेरा हाथ छोड़िए, अभी क्या कर रही है? तेरा बाप इसके जादू में आ गया है मौसी, मेरा हाथ ये उसे भी मार डालेगी। मौसी तेरा मेरा हाथ छोड़िए, बचा सकती हूँ तो बचा ले। हाथ छोड़िए मेरा, आपको हाथ छोड़िए मेरा, बचा ले अपने बाप को, बचा ले, किसी को नहीं छोड़ेगी वो। नहीं नहीं, मुझे मुझे माफ कर दो। फेरे पूरे होने से पहले ही थक गए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, उठिए। नहीं, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं बोल रही हूँ उठिए। मुझे गुस्सा दिलाने की गलती मत कर। विश्वास कर मेरा, कर मेरा, यक्षिणी है ये, नहीं है ये। देख देख, तेरा बाप इसके जादू में आ गया, आ गया। बचा सकती है तो बचा ले अपने बाप को, अपने बाप को। हाँ सर, बोलो। हेलो मिलन, मिलन तुम पापा के घर कब पहुंच रहे हो? मैं तो कल शाम तक पहुंचूंगा, लेकिन क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम शाम तक बिल्कुल पहुंच जाना। हाँ, जब तुम आओगे तो मैं बात करती हूँ तुमसे, बताती हूँ तुम्हें। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, बाय।
रूप सुंदरी, मनमोहिनी, यक्षिणी। पुरातन काल की कहानियों की माने तो यक्षिणी एक राक्षसी है। वो राक्षसी जो बहुत ही खूबसूरत औरत के अवतार में सदियों से पुरुषों का शिकार कर रही है। आम औरत बनकर वो भीड़ में इस तरह खो जाती है कि आपको उसके होने का एहसास तक नहीं होगा, तब तक जब तक उसकी नजर आप पर नहीं पड़ती। आरव, चलो आ जाओ बेटा। शहर बेटा, अपने घर में हम नहीं गिरेंगे तो क्या भूत प्रेत रहेंगे? एक बच्चे की माँ बन गई लेकिन अब तक बच्चे की बच्ची रहेगी। कहाँ है हमारा वो शैतान? वो घर में नहीं आया? नहीं, घर में नहीं आया। ये लड़का क्या करता है, मुझे बिना बताए कहीं भी चला जाता है। आरव, 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 आरव तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, बिना बताए कहीं भी चले जाते हो, तुम्हें पता है ना मम्मा डर जाती है। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, बोलना चाहिए ना कहीं जा रहे हो तो। आज तो आरव मेरे साथ सोएगा, वैसे ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगी, है ना मुन्ना? अरे तुम तो परेशान हो गई शहर। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लाडले का बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी। पापा, हाँ? आप इनके बारे में सब जानते हैं ना? मेरा मतलब है कि पापा ये जानते हैं ना कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, आपको सब मालूम है ना? सहर प्लीज, जो भी पूछना है साफ साफ पूछो। पापा वो क्या है ना कि की? पापा आपको पता नहीं कि इंसान नहीं है पापा, कि इंसान का रूप लेकर। किसने बताया सब कुछ? नेक और अच्छे दिल की इंसान है वो। अब एक मेहरबानी करना, अपनी माँ के सामने कुछ अनाप शनाप मत बोलना। चलो चलो। अरे सुनते हो? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। गुड नाइट। ये क्या हो गया पापा को? इतने अजीब तो कभी भी नहीं थे। कितने
इतनी गर्मी है यहाँ पे, क्या हो गया है? बाहर तो मौसम ठीक, पर्दे क्यों बंद करके रखे? पागल पागल हो गए क्या? क्या है? ठीक है। अरे काका ये क्या कर रहे हो? बहू रानी को रोशनी पसंद नहीं है, इसलिए सब खिड़कियां बंद रखती हैं। क्या खिड़कियां बंद रखती है, रोशनी पसंद नहीं? क्या ये क्या मतलब है? अरे बेटा तुम कब आई? तुम थक गई होगी, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया वाली अदरक की चाय। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाय वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बस ये बताइए, ये जो माया जी है, ये कैसी औरत है? ओ बेटा वो मतलब कि नंदन। अरे बहू रानी, ये बेटा तो बहू रानी का लॉकर, मैं उनको दे के आता हूँ, मैं दे दूंगा। ये क्या चल रहा है यहाँ? और ये खत्म हो जाना चाहिए। ओके ठीक है, गुड बॉय, खाओ खाओ, चलो चलो, गुड बॉय। सुनीता मौसी को फोन करती हूँ। क्या नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? इतना बड़ा सफेद बाल घर में तो किसी का नहीं है। छी, मुझे नहीं खाना। मैंने कहा ना माया, ये काम इतना जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना चाहिए। हाँ जाता हूँ, मगर आने में देर हो जाएगी। क्या हुआ, अब फिर वहीं रुक गई? अरे इतनी सी धूप से भी आप परेशान हो रही है? अब जाएं, जल्दी जाइए ना। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ए लड़के, दरवाजा बंद कर। देख तो क्या है, दरवाजा बंद कर। नेटवर्क को मम्मा, मम्मा,
मम्मा, मम्मा की याद आ रही है मुन्ना को, लेकिन मम्मा तो अब मरने वाली है और पापा भी। मम्मा, मम्मा, मम्मा प्लीज बचाओ। क्या हुआ आरव? आरव क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? हाँ मम्मा, आपको कुछ सुन देगी, बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? वो औरत। औरत कहाँ है औरत बेटा, क्या बोल रहे हो? उस रूम में। मैं देखती हूँ। हाँ ये काका किधर जा रहे हैं? कौन था वो? शायद सहर बिटिया थी। नजर रखो उस पर। जी। मैं रघुवीर जी के घर से बोल रही हूँ। यहाँ जो औरत है ना, आप हेलो हेलो हेलो, क्यों किसी को फोन करना है क्या? बड़ी देर कर दी आने में दामाद जी। वैसे मानना पड़ेगा, पसंद तो बहुत खूब है हमारे शहर की। माफ कीजिए, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मुझे नहीं पहचाना? हाँ पहचानो के भी कैसे, छुपा के जो रखा था आपको शहर ने। अरे शहर, देखो तो कौन आया है, हमारे प्यारे दामाद जी। ये क्या कर रही हैं आप? माफ कीजिएगा दामाद जी, मुझे लगा आपकी आंख में कुछ कचरा चला गया है। वैसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? माया, ये सब जानती हूँ, छोड़ दो मेरे पति को वरना मैं। सहर क्या बदतमीजी है ये, अपनी माँ से कैसे बात करते हैं ये भी अब मुझे सिखाना पड़ेगा। सहर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ये भी कभी कभी हद कर देती है।
मिलन, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। मिलन, मिलन मेरी बात सुनो। मिलन, ये सब जो घर में हो रहा है ना मिलन, ये ठीक नहीं हो रहा है। वो औरत है ना, वो औरत, वो माया, हाँ, वो इंसान नहीं है मिलन, वो यक्षिणी है। वो पापा को मार देगी, तुम्हारे पास भी आएगी। मिलन प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो। मिलन, 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 तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? मिलन, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, वो औरत, वो औरत यक्षिणी है मिलन, वो सबको मारेगी। देर रात बहुत हो गई है, कल बात करें। प्लीज 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 मेरी बात सुनो। मिलन, मिलिंद, मिलिंद आओ मेरे साथ। है तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी घबराई हुई क्यों? चलो सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। आओ सुनीता मौसी से बात करती हूँ। ये नेटवर्क कैसे आ गया? हेलो, हेलो, सुनीता मौसी, मैं सहर बोल रही हूँ। मौसी, आप बिल्कुल सही बोल रही थी। मौसी, वो औरत है ना, उसने उसने घर के सारे मर्दों को अपने वश में कर लिया। पहले पापा, फिर नंदन चाचा, और अब मिलन, मिलन भी। मौसी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मौसी, मैंने तो पहले ही कहा था, खतरा बहुत बड़ा है, जान भी जा सकती है। देख सहर, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो यक्षिणी, वो धूप में नहीं निकल सकती, और उसका नाश करने के लिए सूरज की रोशनी में जाना जरूरी है। और ये सब कुछ तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि तू एक औरत है। वो यक्षिणी एक औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो उसे नहीं मार सकती। मुझे जो भी होगा ना, मैं सब कुछ करूंगी।
उस यक्षिणी से मैं अपने परिवार को बचाऊंगी, चाहे उससे उसके लिए मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। इस बात का ध्यान रखना कि एक बार उसने किसी को अपनी शादी के जाल में फंसा लिया ना, तो 7 दिन के अंदर उस पुरुष की मौत पक्की है। मौसी मतलब पापा? हाँ बेटा, हाँ। मौसी 1 हफ्ते पहले ही शादी हुई है और आज 7वां दिन है। पापा को कैसे बचाऊंगी? हेलो मौसी, मौसी हेलो मौसी मौसी अरे सहर बेटा, तुम तो डर गए। तुम पास मत आना मेरे, तुम्हारी सच्चाई पता है मुझे, तुम यक्षिणी हो। तुझे सही लग रहा था, मैं यक्षिणी हूं, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, मार दूंगी तेरे बाप को। बचा सकती है तो बचा ले। देखो माया तुम सहर, तुम इतनी रात गए तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? अरे आप आ गए, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे हैं। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, पापा ये इंसान नहीं है, ये यक्षिणी, पापा ये आपको मार देंगे, प्लीज मेरी बात सुनिए पापा प्लीज। सहर ये क्या बचपना लगा रखा है, तुमसे पहले ही कहा था कि ये सारी बकवास है, बंद करो इसे। प्लीज पापा, प्लीज। रघु जी समझाइए ना इसे, अपने दिमाग में पता नहीं क्या लेके बैठी है, मुझे लगता है किसी ने हमारी बच्ची को बहका दिया है। सच कह रही हूँ पापा, प्लीज। सर और एक शब्द आगे नहीं, तुम्हें क्या लगता है हमें दिखाई नहीं देता कि तुम जबरदस्ती हमारी शादी तुड़वा रही हो? देखो ये तुम्हारी माँ है, तुम्हें पसंद हो या ना हो। चलो पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। माया तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, अच्छी बच्ची है, मगर पता नहीं कि तुम्हें देखकर उसे क्या हो जाता है अचानक। रघु जी अभी तो आपको बहुत
बहुत लंबे सफर पे जाना है। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। पापा, दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। छोड़ो। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। सर, सर बचाओ, बचाओ सर, सर। पापा क्या हो रहा है इधर? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए पापा, पापा। वो पापा अब नहीं रहे। क्या? पापा, 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 पापा। पढ़ती है ना पापा को? शांति मिल गई तुम्हें? ये औरत इंसान यक्षिणी, यक्षिणी हो तुम। सर क्या बकवास कर रही हो? तमीज से बात करो माया जी से। कोई तमीज नहीं आती, तुमसे बात करने की औरत है? तुमको मार देगी। यक्षिणी है क्या? यक्षिणी क्यों डर रहे हैं? सर डोंट क्रेजी। तुमको मार देगी सर के अंदर। तो किसी और पैसे को बना रहे हो? सिर्फ तुझे मार दोगे। पापा को मारे इसने। सर पापा को मारे इसने। मेरे घर में आओ। मेरे अंदर चलो। पागल हो गई है वो औरत, आपको खूनी कह रही है। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम देख लेंगे उसे। वैसे भी अब क्या फायदा मिलिंद? उनके जाने के बाद मैं तो अकेली रह गई ना। कौन कहता है आप अकेली हैं? हम करेंगे आपसे शादी। सच? लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास मिलिंद। तुम जब चाहोगी तब होगी। बताओ कब करनी है शादी? आज। जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मिलिंद, शहर का क्या? तुम तो शादीशुदा हो ना? शहर कैसी हो? आज सुबह जो कुछ भी हुआ, पापा को लेकर तुम ऑलरेडी शॉक में थी और मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही बरस पड़ा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई डिडंट मीन इट एट ऑल। प्लीज मुझे माफ कर दो।
बचाना होगा मिलिंद को। मिलिंद होश में आ, मिलिंद, अरब, अरब, अरब मम्मा, हाँ, अरब, मिलिंद, मिलिंद होश में आ, मिलिंद होश में आओगे, शादी नहीं है मिलिंद, मिलिंद मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मिलिंद, मेरी तरफ देखो, मैं शहर हूँ, मिलिंद, मिलिंद, मिलिंद मेरी बात सुनो, होश में आओ मिलिंद, ये शादी नहीं है। अरे अरे मम्मा, अरे अरे मम्मा, हाँ अरे ये सब नहीं करना। तो है बहुत प्यार करती है अपने पति से, उसको बचाने के लिए यहाँ तक आ गई, लेकिन अब तू यहाँ से बच के कैसे जा पाएगी? मैं यक्षिणी हूँ, यक्षिणी, और तू एक तुच्छ इंसान, हजारों साल से मैं तुझ जैसे तुच्छ इंसानों को तबाह करती आई हूँ और तबाह करती रहूंगी। तुझे जो भी टकराने की कोशिश करेगा उसे अपनी हिस्से की मिट्टी तक नसीब नहीं होगी, समझी? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने यहाँ आकर, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ तेरे साथ जो चाहूँ कर सकती हूँ। बहुत हो गए मंत्र, अब फेरे शुरू करते हैं। मेरे होने वाले पति देव, वो यक्षिणी वो धूप में नहीं निकल सकती और उसका नाश करने के लिए सूरज की रोशनी में ही जाना जरूरी है। Three, four,
5, 6. पापा 6 राउंड्स हो गए, लास्ट राउंड के बाद शादी हो जाएगी। यक्षिणी, इधर देख। मैं एक औरत हूं, एक औरत तुझसे तुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। जानती है क्यों? क्योंकि तू बुजदिल है, मौत से डरती है तू। अपनी अपनी इस ताकत को बढ़ाने के लिए मासूम लोगों की जान लेती है, लेकिन एक औरत अपने परिवार को बचाने के लिए जान देती। तुम्हें मम्मा ठीक तो हो ना?